हेलो बच्चों, आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल गुरुकुल में स्वागत है। आज हम सूरदास के पद के दूसरे पद का अनुवाद करेंगे। हमने पिछले वीडियो में पढ़ा था कि श्री कृष्ण के मित्र उद्धव जब कृष्ण का संदेश सुनाते हैं गोपियों को कि कृष्ण नहीं आ सकते, कृष्ण ने संदेश भेजा है कि वे अपना प्रेम मार्ग छोड़कर ज्ञान के मार्ग को अपना लें। यह सुनकर गोपियां निराश हो जाती हैं। वे उद्धव से कहती हैं, मन की मन ही मांझ रही, कहिए जाए कौन पे उधो, नाही परत कही। मांझ मतलब होता है अंदर। इन पंक्तियों में गोपियां उद्धव से कहती हैं कि उनकी मन की बात मन में ही रह गई। वे कृष्ण से बहुत कुछ कहना चाहती थीं, परंतु अब वे नहीं कह पाएंगी। वे उद्धव से कहती हैं कि हे उद्धव, जो बातें हमें केवल श्री कृष्ण से कहनी है, उन बातों को किसी और को कहकर संदेश नहीं भेज सकती। अवधि आधार आस आवन की, तनमन बिथा सही। अवधि मतलब होता है समय, आधार यानी आधार, आस, आस का मतलब है आशा, और आवन, आवन का मतलब होता है आगमन। तनमन बिथा सही, बिथा का मतलब होता है व्यथा। वे कहती हैं कि इतने समय से कृष्ण के लौटकर आने की आशा को हम आधार मानकर तनमन हर प्रकार से विरह की यह व्यथा सह रही थी। ये सोचकर कि वे आएंगे तो हमारे सारे दुख दूर हो जाएंगे। अब इन जो संदेशनी सुनी सुनी बिरहीनी बिरह दही। संदेशनी, संदेशनी का मतलब होता है संदेश, और बिरहीनी, बिरहीनी का अर्थ होता है यहाँ पे वियोग में जीने वाली। विरह, विरह का अर्थ है विरह की आग में जल रही। इन पंक्तियों में गोपियां कह रही हैं कि श्री कृष्ण ने हमारे लिए ज्ञान योग का संदेश भेजकर हमें और भी दुखी कर दिया, हम विरह की आग में और भी जलने लगी हैं। चाहती हूँ ती गुहारी, जितही ते उत्ते धार बही। सूरदास अब धीर धरही, क्यों मर्जादा ना लही। हुती, हुती का अर्थ है थी। गुहारी, गुहारी का अर्थ होता है रक्षा के लिए पुकारना। और जितही ते, जितही तत् का अर्थ होता है जहां से। उत्ते धार बही, उत मतलब उधर या फिर वहां। सूरदास अब धीर धरही, क्यों मर्जादा ना लही। मर्यादा का मतलब होता है यहाँ पे मर्यादा, ना लही यानी नहीं रखी। गोपियां फिर कह रही हैं कि ऐसे समय में कोई अपने रक्षक को पुकारता है, परंतु हमारे जो रक्षक है वही आज हमारे दुख का कारण है। हे उद्धव, अब हम धीरज क्यों धरें, कैसे धरें, जब हमारी आशा का एकमात्र तिनका भी डूब गया। प्रेम की मर्यादा है कि प्रेम के बदले प्रेम ही दिया जाए, पर श्री कृष्ण ने हमारे साथ छल किया है, उन्होंने मर्यादा का उल्लंघन किया है। इस प्रकार गोपियां अपने मन की व्यथा उद्धव को बता रही हैं। अगर आप लोगों को हमारी ये वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक, कमेंट और शेयर जरूर करें। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें।